हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ई लर्निंग क्लास ऑफ केवी नंबर 2 ईटानगर। आई एम अमरेश कुमार, योर मैथमेटिक्स टीचर। आज हम शुरुआत करेंगे आपकी समस्याओं के साथ और ढूंढेंगे इसका समाधान। बहुत सारे प्रश्न थे, आपके पेरेंट्स के फीडबैक भी आ रहे थे कि सर मैथ्स की कक्षा के लिए किस तरह की नोटबुक की जरूरत पड़ेगी, स्क्वायर बॉक्सेस वाली या फिर रूलिंग या प्लेन। तो मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि अभी लॉकडाउन चल रहा है, आप अपने घरों में ही रहें, घर से बाहर ना निकलें। जितनी भी परेशानियाँ हो आपको घर में ही रहना है। बुक नहीं है, नोटबुक नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपके पिछली कक्षाओं के नोटबुक होगी आपके पास, उसका यूज कीजिए। कहीं भी कोई भी पेज हो उसमें आप प्रैक्टिस कर लें, लेकिन घरों से बाहर नहीं निकलें और नहीं अपने पेरेंट्स को कहें बाहर निकलने के लिए। आपकी सहायता के लिए गवर्नमेंट ने भी अल्टरनेटिव एकेडमिक कैलेंडर का निर्माण किया है। आपके घरों में जितनी संसाधन उपलब्ध है, जितने रिसोर्सेस हैं, उसी का यूज कीजिए। आप आज यह भी देखिएगा कि हमने भी क्या इस्तेमाल किया है आपके पढ़ाई के लिए। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। आज एक छोटी सी एक्टिविटी करेंगे और उसके बाद आपको एक छोटा सा काम देंगे। इन दिस वीडियो सेशन वी आर गोइंग टू सी हाउ वी कैन स्प्लिट एनी नंबर इनटू डिफरेंट पार्ट्स। सपोज वी हैव अ 2-डिजिट नंबर और लेट से हमारे पास बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं। एक्चुअली कितने ऑब्जेक्ट्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 क्लिप्स हैं। अब इसे अरेंज करना है। कैसे आप अरेंज कर सकते हैं इसे, क्या क्या तरीका हो सकता है अरेंज करने का? एक सिंपल तरीका यह हो सकता है कि जितने भी ऑरेंज कलर के क्लिप्स हैं उन्हें एक साथ रख दें, जितने येलो कलर के क्लिप्स हैं उनका एक ग्रुप बना दिया जाए और जितने ग्रीन कलर के क्लिप्स हैं उसे एक ग्रुप में रख दिया जाए। तो इसे तीन तरीके से इस प्रकार अरेंज किया गया। ग्रीन और येलो हमारे नेशनल फ्लैग का भी पार्ट है, उसी से मिलता जुलता है। तो हम लोग इसे, इन दोनों को एक ग्रुप में बना लिया और एक दूसरा ग्रुप बन गया येलो कलर का। यह भी एक तरीका हो सकता है। क्योंकि सभी क्लिप्स है और सभी का काम एक ही है, तो क्यों हम लोग अलग अलग रखें, एक साथ भी रख सकते हैं। सो इन दिस वे वी हैव अरेंज्ड 10 डिफरेंट ऑब्जेक्ट इनटू डिफरेंट वेज। फर्स्ट वी हैड अरेंज्ड 10 बाय मेकिंग 3 ग्रुप, फर्स्ट ऑफ येलो विच वाज ऑफ 3। उसके बाद हमारे पास 3 ऑरेंज कलर के भी क्लिप्स थे और 4 ग्रीन कलर्स के क्लिप थे। तो हमने इन्हें कलर्स के आधार पर 3 डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड कर लिया। सो 10 गेट्स डिवाइडेड इनटू 3 डिफरेंट पार्ट्स, 3 + 3 + 4। द अनदर वे वाज, फर्स्ट वी हैड टेकन ग्रीन कलर एंड ऑरेंज कलर बिकॉज इट वाज अ पार्ट ऑफ आवर नेशनल फ्लैग। सो पहला ग्रुप बना था 7 का और एक येलो कलर का बच गया था, उसे हमने अलग रख दिया। तो इस तरह से हमारे पास यहां 2 ही ग्रुप बने। 2 रूप तरह से इस 10 को एक्सप्रेस किया जा सकता है। एक और तरीका, हमने कहा कि सभी का काम तो एक ही है, सभी क्लिप्स हैं तो अलग अलग क्यों रखें, तो एक ही साथ सबको हमने रख दिया और मिक्स कर दिया केवल 10। इस तरह से और भी बहुत तरीका हो सकता है। आप चाहें तो इसे 8 और 2 के रूप में रख सकते हैं, आप चाहें हाफ हाफ कर सकते हैं, 5 + 5। तो डिफरेंट वेज हैं किसी भी नंबर को एक्सप्रेस करने का, स्प्लिट करने का। नाउ सपोज वी हैव अ नंबर 24, हाउ इट कैन बी एक्सप्रेस्ड, हाउ इट कैन बी स्प्लिट इनटू पार्ट्स। वी कैन राइट इट एज 20 + 4 बिकॉज इट इज इजी टू यूज। नेक्स्ट ग्रुप कैन बी फॉर्म्ड बाय 10 + 10।
दिस विल ऑल्सो गिव अस 20 एंड देन फोर समवन कैन मेक ग्रुप्स ऑफ 5 1 5 2 5s 3 5s 4 5s. अभी तक हमारे पास 20 हो गया और एक 4 का अलग ग्रुप बन जाएगा. ये सभी 5 5 का ग्रुप है और ये एक अकेला बच गया. इसी तरह से आप डिफरेंट वेज यूज कर सकते हैं. तो अभी आपका एक छोटा सा काम होगा कि आप यह हमें बताएंगे कि आप 31 को 31 को कैसे एक्सप्रेस करेंगे डिफरेंट ग्रुप्स के रूप में. नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे और भी बड़े नंबर्स के बारे में. तब तक घर में रहिए, सुरक्षित रहिए.